दाल के परांठे, आपने गोभी के परांठे, मूली के परांठे या फिर मिक्स वेज के परांठे तो खाए ही होंगे, लेकिन आप दाल का परांठा ट्राई करना, आपको बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। आप दाल के बेनिफिट्स तो आप जानते ही होंगे, दाल के परांठे गरम गरम खाए जाते हैं और ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। हाय देयर, दिस इज अनामिका, वेलकम बैक टू माय ग्लूमी लाइफ चैनल। आज मैं आपके साथ दाल के परांठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम दाल का परांठा बनाएंगे। दाल के परांठा बनाने के लिए हमने दो दाल ली है, लोबिया और सोयाबीन। हमने इनको अच्छे से धोकर ओवरनाइट भिगोने रख दिया था। अब ये अच्छे से फूल गए हैं, अब हमें इनका पानी निकालना है और एक और पानी से अच्छे से इन्हें धोना है। आप देख सकते हो हमने अच्छे से वॉश कर दिया है। अब हम इसको कुक करेंगे। हमने कुकर में दाल डाल दी है, अब हमको इसमें पानी डालना है। पानी हमको ज़्यादा नहीं डालना है, पानी हमको उतना डालना है कि दाल अच्छे से पानी में डिप हो जाए। अब हमको लिड लगाना है और दो सीटी आने के बाद गैस बंद कर देना है। सीटी आ गई है, अब प्रेशर डाउन होने पर हमको कुकर खोल देना है। ये आप देख सकते हो दाल अच्छे से बॉईल हो गई है। अब हमको इसको किसी छन्ने में निकाल देना है ताकि सारा पानी ड्रेन हो जाए। ये हमने निकाल दिया है, अब हम चेक करते हैं हमारी दाल अच्छे से बॉईल हो गई है। ये देखो, मैं आपको तोड़कर बताती हूँ, अच्छे से गल गई है। हमको इसको ऐसे ही रखना है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब हमको एक सॉफ्ट डो लगाना है, उसके लिए हमने 4 बाउल गेहूं का आटा लिया है। आटे में हम 1 स्पून नमक डालेंगे। नमक को आटे में अच्छे से मिक्स करके एक सॉफ्ट डो लगाएंगे। पानी हमको धीरे धीरे डालना है। सॉफ्ट डो रेडी हो गया है, अब हमको डो को बाउल में रखकर आधा घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ना है। दाल ठंडी हो गई है, अब हमको इसको पीसना है। चाहे तो आप इसको मिक्सी में भी पीस सकते हो, बट मैं सलवट्टे में पीसूंगी। अभी मेरे पास रेक्टेंगल स्टोन नहीं है, मीन्स जिसमें हम दाल रखते हैं पीसने के लिए, तो मैं किचन के प्लेटफॉर्म का यूज़ करूँगी। किचन के प्लेटफॉर्म को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। दिस इज़ रोलिंग स्टोन, इससे हमको अपनी दाल को पीसना है। अब थोड़ी दाल को हमको प्लेटफॉर्म में रखना है और इसको पीसना है। क्या आप देख सकते हो मैंने 5-6 स्पून दाल ली है। अब हमको इसको पीसना है। ये मैं पीस रही हूँ। इस तरह से पीसने से हमारे जो परांठे बनते हैं बहुत अच्छे बनते हैं और हमारे जो परांठे होते हैं वो फटते भी नहीं हैं। अगर हम मिक्सी में पीसेंगे तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए दाल में। अगर पानी हो तो जो हमारे जो मिक्सचर होगा वो पानी पानी हो जाएगा और परांठे अच्छे नहीं बनेंगे, परांठे फटने का डर रहता है। यह आप देख सकते हो कितनी अच्छी सी दाल पीसी हुई है, ये ज़्यादा गीला भी नहीं है। हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। ये आप देख सकते हो मैंने सब दाल को निकाल दिया है जो हमने दाल पीसी हुई थी। इसी तरह हम और दाल पीसेंगे। ये आप देख सकते हो हमने पूरी दाल पीस ली है और जो ये प्लेटफॉर्म है, अब हम इसको क्लीन कर देंगे। हमको इसमें मसाला ऐड करना है, तो सबसे पहले हमने लहसुन डाला है, 5-6 कलियाँ लहसुन की डाली है। लहसुन से इसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है। 1 स्पून नमक, 1 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 स्पून कश्मीरी मिर्च, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब आप थोड़ा लेकर चख सकते हो, अगर आपको लगे नमक कम है तो आप इसमें नमक ऐड कर सकते हो।
परांठा बनाने के लिए हमने एक लोई ली है। आप अपने अकॉर्डिंग लोई ले सकते हो, छोटा या बड़ा। परांठे थोड़ा मोटे अच्छे लगते हैं तो मैंने थोड़ा बड़ा साइज का लोई ली है। अब इसको हम बेलेंगे। ये हमने इसको अच्छे से बेल दिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा आटा डालेंगे। जो हमने दाल का मसाला बनाया था उसकी भी एक बड़ी सी लोई लेंगे। जितना हमने आटे की ली है उसका भी वही होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसको हम इसके ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा आटा डालेंगे और इसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे। किनारों के साइड से पकड़कर प्रेस करते हुए अच्छे से हम फोल्ड कर देंगे। ये आप देख सकते हो मैंने अच्छे से फोल्ड कर दिया है। अब जो ये ऊपर का जो एक्स्ट्रा आटा है वो हम निकाल देंगे। अब हमको इसको बेलना है। इसके दोनों साइड हम आटा लगाएंगे। अब इसको पहले हाथों से अच्छे से प्रेस करना है, ये आप देख सकते हो। फिर इसको बेलन की सहायता से हल्का सा बेलना है, इसको ज़्यादा प्रेस करके नहीं बेलना है, धीरे धीरे। ये मैंने बेल दिया है, आप देख सकते हो जो हमने अंदर फीलिंग किया था वो बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। बहुत अच्छे से हमारा परांठा बन रहा है, ये देखो बिल्कुल परफेक्ट। अब हम इसको निकाल देंगे प्लेट में। इसी तरह हम अपने दूसरे परांठे भी बनाएंगे। हमने अच्छे से बेल दिया है, अब हमको इनको तवे में सेकना है। गैस ऑन करना है। अब आप देख सकते हो हमारा तवा गर्म हो गया है। अब हम इस पर परांठा डालेंगे। जैसे ये एक साइड से अच्छे से सिक जाएगा फिर हम इसको पलट देंगे। गैस का फ्लेम हमको लो टू मीडियम रखना है। यह आप देख सकते हो एक साइड से अच्छे से सिक गई है। अब हमने इसको पलट दिया है। अब दूसरे साइड से भी हम अच्छे से सेकेंगे। हमको किनारों से अच्छे से इनको प्रेस करना है ताकि ये अच्छे से सिक जाए। अब हमने दूसरी साइड भी पलट दिया है। ये आप देख सकते हो दोनों साइड अच्छे से हो गया है। अब हम इसमें घी लगाएंगे। दूसरी साइड भी हम घी लगाएंगे। आप चाहे तेल का भी यूज़ कर सकते हो। ये मैंने अच्छे से दोनों साइड घी लगा दिया है। ये आप देख सकते हो हमारा परांठा रेडी है। इसी तरह हम अपने दूसरे परांठा भी बनाएंगे। हमारे परांठे रेडी हो गए हैं। अगर आप इसी तरह से बनाओगे तो आपके परांठे भी बहुत सॉफ्ट बनेंगे और बिल्कुल फटेंगे भी नहीं। दाल के बेनिफिट्स तो आप जानते ही होंगे, इसलिए आप इसे ज़रूर बनाना, आपको बहुत पसंद आएंगे। ये मैं परांठे को आपको कट करके बताती हूँ। ये आप देख सकते हो कितनी अच्छी फीलिंग है। देखो पूरे परांठे में फीलिंग बहुत अच्छे से भरी हुई है। ये बहुत गरम गरम है। दाल के परांठे गरम गरम ही खाए जाते हैं। आप गरम परांठों में घी डालकर खाओगे तो आपको बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। आप इसको अचार के साथ, सॉस के साथ या फिर चाय के साथ भी ले सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।